दोस्तों, गार्डनिंग करना तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए भी, साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी। लेकिन गार्डनिंग के साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, ना केवल अपनी बल्कि अपनी फैमिली की, अपने अड़ोसी पड़ोसी की भी। तो एक वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो आज के वीडियो में गार्डनिंग सेफ्टी से रिलेटेड टिप नंबर सेकेंड शेयर करेंगे। देखिए, जब हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो कई बार जो होता है, हम लोग के पास स्पेस काफ़ी कम रहती है, या फिर हम लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग की स्पेस बढ़ाने के लिए जो चलने फिरने वाली जगह है उसको बचा करके रखो और अपने गमलों को जो है ऐसी जगह शिफ्ट कर देते हैं जो कि बड़ी ही खतरनाक होती हैं। जैसे कि जो भी हम लोग की टेरेस की बाउंड्री वॉल होती है उसके ऊपर हम लोग गमले उठा करके रख देते हैं। कभी कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो गमले जिनका कि बेस नीचे का हिस्सा पतला होता है फ्रेंड्स, उनको रखना बहुत ही ख़तरनाक होता है। भले ही ये देखिए काफ़ी चौड़ी है, 1 फुट के लगभग इसकी मोटाई है बाउंड्री वॉल की, लेकिन फिर भी ये हमेशा जो है खतरे के उसमें रहता है। कभी भी तेज़ हवाएँ चली तो भी यह गिर सकता है, और प्लांट अगर आपका लंबा रहा, ऊँचा रहा, तब भी खतरा रहेगा। ये गिरेगा और जिसके ऊपर गिरेगा उसका तो भगवान ही उसके देखेगा क्या हुआ उसके संग, नीचे जो भी लोग रहेंगे उनके संग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप जो है अपने छत की जो भी बाउंड्री वॉल है उसमें गमले को मत रखिए, उसको हटा दीजिए। लेकिन हाँ, कुछ तरीके के गमले आप रख सकते हो, कौन तरीके के, चलिए हम आपको वो भी बताते हैं। जैसे कि हमारे टेरेस में ये इधर की तरफ देखिए ये चौड़ी ये वाली है, ये उतनी ही चौड़ाई 1 फुट की इसमें है, तो इसमें जो है हम अक्सर ग्रो बैग्स रख लेते हैं या फिर वो पॉट जो कि शैलो होते हैं और बहुत हाइट में नहीं जाते हैं। अब ये वाले ग्रो बैग्स इसमें 7 इंच तक की मिट्टी है नीचे और ये काफ़ी चौड़ाई में भी हैं, इनका बेस जो है पतला नहीं है, तो ये ख़तरनाक नहीं है। इसमें से हवा तेज़ चलेगी तो कोई भी गमला जो है डगमगाएगा नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर इसमें भी हम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे प्लांट्स रख देंगे तो दोस्तों खतरा हो सकता है। तो इस तरीके के जो भी पॉट्स हैं आप बिल्कुल भी अपनी बाउंड्री वॉल में मत रखिए। शैलो पॉट्स रख सकते हैं या वो प्लांट जिनकी की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है उनको आप रख सकते हो, और हल्के फुल्के छोटे वाले प्लांट्स रखिए तो वो कभी भी नहीं गिरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो है टिप नंबर सेकेंड है, फर्स्ट वाली आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो मेरी टिप्स थी गार्डनिंग से रिलेटेड, आपको भी कोई टिप मालूम हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारी गार्डनिंग तभी सक्सेसफुल है जब हम अपना ध्यान रखें, अपने साथ साथ जो है अपने आस पड़ोसी और फैमिली का भी ध्यान रखें। आगे जो है हम आपके संग और भी टिप्स शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।